रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि प्रथम जो जैन संगीति हुई थी उसमें श्वेतांबर और दिगंबर दो अलग अलग भागों में जैन धर्म बट गया था। तो देखिए, हम यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, हम उसे देखते हैं। श्वेतांबर तथा दिगंबर में अंतर देखिए, इस तरफ है हमारा श्वेतांबर और इस तरफ है दिगंबर। देखिए, स्थूल जो श्वेतांबर था इसको स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया, जबकि जो दिगंबर था इसको भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। उसके बाद हमारा जो अगला अंतर है वो है, श्वेतांबर जो थे ये सफेद वस्त्र पहनते थे, जबकि जो दिगंबर थे ये निर्वस्त्र रहते थे। हमारा अगला अंतर है कि जो श्वेतांबर को मानने वाले लोग थे, इनका मानना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, जबकि जो दिगंबर थे इनमें ये मान्यता थी कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। ये और यही सबसे बड़ा कारण था जैन धर्म को मतलब खत्म होने का, कि इसमें महिलाओं के लिए कोई जगह ही नहीं थी, कि मतलब महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। उसके बाद जो अगला अंतर है वो जो श्वेतांबर में है, वो लोग मानते हैं कि जो 19वें तीर्थांकर मल्लिनाथ जी थे वो महिला थी, जबकि जो दिगंबर थे वो ये मानते हैं कि जो मल्लिनाथ जी थे वो पुरुष थे। आई होप आपको श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।